तो लो जी, आज हमारे साथ है भाविक सांघवी सर, जो कि एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और बॉलीवुड के जाने माने लोगों के बारे में, मतलब उनका भविष्य ये बता चुके हैं। हम बात करें सोनू सूद, वरुण धवन, वैसे मुझे लगता है मतलब जितने मैं नाम लेते जाऊंगी फिर हमारी इंट्रो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सर, इन सभी लोगों के बारे में, किस्म से आधा बॉलीवुड ये कवर कर चुके हैं प्रेडिक्शन के मामले में। तो आज हमारे साथ है बिग बॉस सीजन 16 के कंटेस्टेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, उनका भविष्य जानेंगे इनसे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। तो अब बढ़ते हैं आगे, आगे आते हैं साजिद खान जी की तरफ, जो कि उनकी एंट्री के साथ ही काफी बवाल मचा था। लोगों को लगा डायरेक्टर घर के अंदर आ रहा है, लोगों के लिए अनफेयर हो रहा है, इनकी तो दोस्ती है, बहुत सारा बवाल ऐसा हमने देखा। फिर हमने देखा उनको घर के अंदर कि गेम तो कुछ है नहीं, और मतलब लोगों ने चढ़ा दिया सर 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 जी हजूरी चल रही है उनका, बढ़िया, मतलब एक किस्म से वो घर में राजा वाली ही फील ले रहे हैं। तो क्या लगता है, फिनाले तक जाएंगे? देखिए, साजिद खान तो एक तरह से मैं उनको पर्सनल लेवल पे जानता भी हूँ, बट आई एम नॉट बीइंग बायस्ड अबाउट दिस कि साजिद खान का डेट ऑफ बर्थ है 23 नवंबर 1970। कुछ कुछ वेबसाइट्स पे 1971 दर्शाया गया है, बट मेरे हिसाब से जहां तक मुझे जानकारी है वो 1970 बॉर्न है। तो आई थिंक वो जिंदगी देख चुके हैं, 52 उनका एज है, कंप्लीट कर चुके हैं। हालांकि ये 23 नवंबर को कुछ दिन पहले उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया गया था, काफी ग्रैंड तरीके से वो किया गया था। तो नंबर 5 की व्यक्ति है, डेफिनेटली काफी इंटेलिजेंट है, शार्प है। इसलिए आपने जो कहा कि वो कहीं ना कहीं गुरुजी या मुखिया जी जैसे हो गए हैं, सबके लिए गैंग लीडर हो गए हैं। आज की तारीख में अगर उनकी जो मंडली है, सो कॉल्ड, अगर मंडली के लीडर कौन है, साजिद खान ही तो है। पहले उसमें सिर्फ अब्दू थे, फिर धीरे धीरे शिव, निमृत और सारे एमसी स्टैंड सारे लोग जुड़ने लगे। तो कहीं ना कहीं उनको वो डोमिनेटिंग पोजिशन पसंद आती ही होगी, बिकॉज 23 नवंबर के हिसाब से अदिति वो हाफ सेजिटेरियस है और हाफ स्कॉर्पियन है, तो एक मिक्स्ड पर्सनालिटी है। कहीं ना कहीं हमने टास्क में भी देखा है कि भले उनकी नी सर्जरी है, मेडिकल रीजन है, मगर वो पहले दिन से कुछ करते ही नहीं आए हैं। पता नहीं उनको एक स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है या कुछ छोटे मोटे भी कार्य में आज तक हमने, मुझे नहीं, जहां तक मुझे, मैं एपिसोड देखता हूं, मैंने एक बार भी साजिद खान को किचन के आसपास भटकते हुए भी नहीं देखा है कि वो बिल्कुल वो एक भले, हालांकि जब उनको अर्चना गौतम ने एक बार कह दिया था कि आप तो बड़े रईस हो, आप तो खानदानी लोग हैं, तब साजिद खान भड़क चुके थे, बिकॉज उनका बचपना, उनका जो चाइल्डहुड था वो काफी एक गरीबी में और काफी स्ट्रगल से गुजरा है। मगर आज की तारीख में डेफिनेटली वो उनका एक बड़ा नाम है, उनकी बहन इतनी बड़ी फिल्म डायरेक्टर है, वो होस्ट भी रह चुकी है कुछ सीजन्स में, तो वो उनको एक अनड्यू एडवांटेज तो जरूर है कि इतनी कंट्रोवर्सी जो उनके साथ लास्ट 2-3 साल में हो चुकी थी, उनकी रियल लाइफ पर्सनैलिटी को लेकर, उसको भी काफी लोगों ने ट्रोल किया है, काफी लोगों ने कहा था कि उनको शो से बाहर निकालिए, और साजिद खान ने बिल्कुल एंटरटेन किया है अपने जो डायलॉग्स के द्वारा, अपने जोक्स के द्वारा, कहीं ना कहीं वो और उनकी जो एक अब्दू के साथ जो एक फ्रेंडशिप दिखाई गई है वो काफी एक लोगों को पसंद भी आ रही होगी। एंड कहीं ना कहीं साजिद खान, मुझे लग रहा है कि बस एक इलास्टिक को जैसे खींचते हैं ना, कि आप एक बार खींचोगे तो वो एक पॉइंट के बाद वो टूट जाएगा। मुझे लगता है कि उनका जो एक जर्नी है, उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा कि इतना लंबा चौड़ा बिग बॉस के घर में रहेगा। वो बस अपना एक रिवाइवल के तौर पे, उनको एक जो 2-3 साल से वो दिख नहीं रहे थे इंडस्ट्री में, डायरेक्ट फिल्में नहीं कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए एक हॉलिडे है, एक ब्रेक के समान है। बस अभी मुझे लगता है कि साजिद खान का वक्त आ चुका है, उनके सितारे के भी अगर वही इंडिकेट कर रहे हैं कि उनका वो बस टाइम आ चुका है कि वो ग्रेसफुली एग्जिट कर ले, बिकॉज भले उनको सब मिलता भी होगा, फैंडम है, जो भी करे, मगर एट द एंड ऑफ द डे जो व्यक्ति इतना ज्यादा लेड बैक है या इनएक्टिव है, ज्यादा झगड़े नहीं करते हैं, वो अच्छी बात है। मुझे नहीं लगता है कि साजिद खान ने कोई भी झगड़ा अपने काम के लिए, अपने स्वार्थ के लिए झगड़ा क्रिएट किया हो, तो ही इज अ नो न्यूसेंस गाय इन अ वे। बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि उनके पास जो भी एक जोक्स थे या जो भी उनके पास जो एक शो को देने के लिए था, वो कंटेंट खत्म हो चुका है। अब वो बस, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी कि वो मुखिया जी बने हुए हैं, तो वो अभी क्योंकि दूसरे लोगों को भी अपने आगे की गेम के परफॉर्मेंस पे वो रोक रहे हैं, तो वो एक बाधा रूप है आज की तारीख में, एक स्पीड ब्रेकर है। ना शिव अलग से खेल पा रहा है, ना निमृत अपने आप बेस्ट पर्सनैलिटी अपनी दे पा रही है,
एमसी स्टैन तो वैसे भी कितने टाइम से इनएक्टिव है, मुझे लगता है कि साजिद खान को रिटायर होके अपने अपने दोस्तों को एक मुक्ति देनी चाहिए कि बॉस आप खेलो, उनको शायद ट्रॉफी की ज्यादा जरूरत है, उनको प्राइज मनी की ज्यादा जरूरत है, साजिद खान तो डायरेक्ट आगे फिल्में कर ही रहे हैं, तो उनका वैसे कोई फाइनेंशियल उनको बेनिफिट उनको लगे ना लगे, बट डेफिनेटली इट इज द टाइम फॉर साजिद खान टू मेक अ वेरी हम्बल एग्जिट फ्रॉम द शो. जी ओके, बिग बॉस के बाद उनका करियर कैसा रहने वाला है, क्योंकि हाल फिलहाल डामाडोल चीजें चल रही थी उनके करियर को लेकर, तो कुछ बड़ा कोई प्रोजेक्ट, कोई बड़ी फिल्म हम देख सकते हैं? हाँ, साजिद खान डेफिनेटली एक फिल्म डायरेक्ट करने वाला है जिसका टाइटल है 100%, और वो फिल्म का भविष्य मुझे बहुत ही ज्यादा औसत नजर आ रहा है, जिसमें शहनाज गिल लीड एक्ट्रेस भी है उसमें, तो वो मुझे लगता है कि एक साजिद खान के लिए एक कमबैक एज अ डायरेक्टर वो होगा. फिल्म ऐसे कोई बॉक्स ऑफिस पे धमाका नहीं करने वाली है, अगर ओटीटी पे रिलीज हो जाए तो मुझे लगता है कि ज्यादा अप्रिसिएशन भी मिलेगी, तो बस वही उनका एक एवरेज सा ही साल है. मगर अच्छी बात यह है कि ये जो उनके जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ कि भाग्यांक 6 नंबर आ रहा है, 23rd November 1970 के हिसाब से वो 6 नंबर यानी कि 2022 का साल, कम से कम जो वो पूरे अंडरग्राउंड हो चुके थे, दिख नहीं रहे थे, सोशल लाइफ में भी नहीं नजर आ रहे थे पार्टीज या इवेंट्स में, तो वो साजिद खान के लिए एक वेलकम ब्रेक है कि कहीं ना कहीं ये शो में आके उनका एक तरह से फायदा ही हुआ है. मगर 2023 उनके लिए काफी औसत साल है, मगर 2024 जो उनके शायद दूसरी प्रोजेक्ट या दूसरी फिल्म अगर वो अगर डायरेक्ट करने का सोच रहे हैं, वो उनके लिए काफी अच्छा साल साबित हो सकता है, बट नॉट 2023.